नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नालंदा हिस्ट्री सर्किल में। प्रीवियस क्लासेस में हम स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने बंगाल और अवध राज्यों के बारे में नॉलेज गेन की थी, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पंजाब राज्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पंजाब राज्य के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा जो नॉलेज है सिख धर्म के बारे में ले लेते हैं, क्योंकि पंजाब राज्य और सिख धर्म एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो जो सिख धर्म की शुरुआत की थी वो दोस्तों की थी गुरु नानक देव जी ने, जो कि सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने ही लंगर व्यवस्था का आयोजन स्टार्ट किया था, और इस लंगर व्यवस्था को द्वितीय गुरु अंगद जी ने क्या किया, नियमित कर दिया। मतलब जो लंगर कभी कभार लगता था या कुछ त्योहारों पे लगता था, वो लंगर अब पर डे लगने लगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो सिख धर्म के लास्ट गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। सिख धर्म के जो दसवें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी, और गुरु गोविंद सिंह जी से पहले एक गुरु हुए थे तेग बहादुर जी, और तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। इस बाध्यता को तेग बहादुर जी ने माना नहीं, जिस कारण मुगल बादशाह द्वारा 5 दिन की कड़ी यातनाओं के बाद इनकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए गोविंद सिंह थोड़ा सजग थे और उन्होंने सिख धर्म को एक सैनिक जाति में परिवर्तित करने का काम किया। खालसा पंथ की भी शुरुआत गोविंद सिंह जी द्वारा की गई थी 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की थी, और खालसा पंथ की शुरुआत करने के लिए इन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको बुलाया बैसाखी के अवसर पर केसगढ़, और केसगढ़ में बड़े नाटकीय ढंग से इन्होंने अनुयायियों की परीक्षा ली। और इस परीक्षा का जो बेस था वो था कि बलिदान होने के लिए पूर्ण रूप से कौन कौन तैयार है। इस परीक्षा में सिर्फ 5 लोग आगे आए, जिनको दोस्तों क्या बोला गया, पंच प्यारे। और वो 5 व्यक्ति थे, लाहौर के दयाराम खत्री, दिल्ली के धर्मदास जाट, द्वारका के मोहकम चंद चंबाजी, और हिम्मत भीवर तथा साहब चंद नाई। इनको पंच प्यारे बोला गया, और इसी के बाद इन्होंने, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के अनुयायी, सिख अनुयायियों के लिए 5 वस्तुएं जो थी वो मैंडेटरी कर दी कि इन वस्तुओं को आपको अपने साथ रखना ही रखना है। वो क्या क्या थी, वो थी केस, कड़ा, कृपाण और कच्छा, और इसके बाद एक चीज़ और थी, कंघा। ठीक है, इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने दोस्तों 80,000 की एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया, जिसको खालसा सेना बोला गया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हो जाती कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद इनके एक विश्वासपात्र शिष्य थे बंदा बहादुर, जिनका पहले जो नाम था वो लक्ष्मण देव हुआ करता था, और गुरु गोविंद सिंह जी की से मुलाकात इनकी आंध्र प्रदेश में नांदेड़ में होने के बाद ये उनसे इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने बैराग्य धारण कर लिया, और बैराग्य धारण करने की वजह से बंदा बहादुर को क्या बोला जाने लगा दोस्तों, बंदा बैरागी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद लड़ाइयों का पूरा जिम्मा किसने उठाया दोस्तों, बंदा बहादुर ने, और 1715 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है मुगल बादशाह के द्वारा, और इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। मृत्युदंड के बाद अब क्या होता है दोस्तों, सिख सेना जो थी वो अब नेतृत्वहीन थी। इसी बीच क्या होता है, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण होता है, जिससे मुगल शासकों का रुझान पंजाब से या सिखों से हटकर उस युद्ध की तरफ हो जाता है। सिखों को इस युद्ध में बहुत ही बड़ा लाभ हुआ, जिसमें क्या हुआ, सिखों ने खूब लूटपाट की और उससे धन एकत्रित किया। धन एकत्रित करके उन्होंने एक सिख सेना का पुनः निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि 1763 से लेकर 1773 के बीच पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना होगी, और ये राज्य मिसल कहलाए, और इन मिसलों के मुखिया जो थे वो कहलाए मिसलदार। जो सिख समुदाय था वो 12 मिसलों में दोस्तों बट गया था, और इन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल था सुकर चकिया मिसल, जिसके प्रमुख जो थे वो महासिंह थे, और इस मिसल का जो वास्तविक संस्थापक था वो चरत सिंह था। चरत सिंह के पुत्र जो थे महासिंह थे, और महासिंह के पुत्र महाराजा रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह जो थे बहुत ही
दूरदृष्टा व्यक्ति थे। रणजीत सिंह ने मुगलों के साथ साथ क्या किया, ब्रिटिशर्स जो थे यानी कि अंग्रेज जो थे उनकी भी सेना को स्टडी करके उन्हीं के आधार पर अपनी सेना का भी गठन किया। ठीक है, रणजीत सिंह जी ने सैन्य प्रशासन और सेना को सुदृढ़ बनाने में पूर्ण इनका ध्यान था। सैन्य प्रशासन में फौजे खास, फौजे वेकवंद, और इनमें क्या किया, फौजे खास में तीन तरीके की सेना को शामिल किया गया, तीन तरीके की सेना जिसमें कि घुड़सवार थे, पैदल सेना थी, तोपखाना था, और फौजे बेकवंद में एक अनियमित सेना थी, घुड़सवार खास थे और मिसलदार थे। दोस्तों ये मिसलदार जिनको रणजीत सिंह ने हरा करके अपने पंजाब राज्य में मिलाया था वो सम्मिलित थे। नियमित सेना जो थी वो पंजाब राज्य के अंतर्गत जो थी वो हमेशा रहती थी। दोस्तों इस घुड़सवार सेना जो थी वो कुल पैदल सेना जो होती थी उस पैदल सेना का 1/8 हिस्सा थी। ठीक है, और घुड़चढ़ा खास, घुड़सवार सेना और घुड़चढ़ा खास सेना में जो बेसिक डिफरेंस था वो था कि ये घुड़चढ़ा जो सैनिक थे वो नियमित सेना के अंग नहीं थे। जब भी युद्ध की परिस्थितियां होती थीं ये घुड़चढ़ा सैनिक आते थे और राज्य के लिए काम करते थे। ठीक है दोस्तों, और उसी के हिसाब से इनको वेतन दे दिया जाता था। ठीक है, मिसलदार जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये वो जो 12 मिसल थे उनके सरदारों को हराकर उनके राज्य क्षेत्र को रणजीत सिंह ने क्या किया था, जीतकर पंजाब राज्य में मिला लिया था। तो वो मिसलदार और उनके अनुयायी, उनके कबीले मतलब जो ग्रुप के जो और सदस्य थे वो पंजाब राज्य में ही रहने लगे और सेना में सम्मिलित हो गए थे। रणजीत सिंह जो थे वो एक कुशल प्रशासक, साहसी सैनिक और कूटनीतिज्ञ थे। कह सकते हैं कि रणजीत सिंह जन्मजात नेता थे। ठीक है, 1799 लाहौर और 1802 में इन्होंने अमृतसर पर कब्जा कर लिया। सतलज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया। ये वही प्रधान है जो 12 मिसल के थे। इसके साथ साथ इन्होंने पंजाब राज्य का विस्तार किया और बाद में कश्मीर, पेशावर, मुल्तान को भी जीत लिया। कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीत लिया, जिसमें ये श्रीनगर आ गया। ठीक है दोस्तों, और ये सतलज नदी के इस तरफ का सारा जो क्षेत्र था वो रणजीत सिंह ने अपने पंजाब राज्य में मिला लिया था। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों कि रणजीत सिंह अंग्रेजी सेना के साथ भी युद्ध होता है, तो इस युद्ध में वो अंबाला तक आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अंबाला तक आ जाते हैं, उसके उसी के बीच ये अमृतसर की संधि भी होती है। तो होता क्या है कि अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे बात कर लेते हैं कि 1796 में क्या होता है दोस्तों, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह थे वो पंजाब पर उन्होंने आक्रमण किया, पंजाब पर आक्रमण किया। लेकिन तो क्या होता है दोस्तों कि जमान शाह को अफगानिस्तान वापस जाना पड़ता है क्योंकि अफगानिस्तान में आंतरिक कलह हो जाता है, यानी कि आंतरिक अस्थिरता पैदा हो जाती है, जिस वजह से जमान शाह को क्या होना पड़ता है कि अफगानिस्तान वापस लौटना पड़ता है। 1797 में जमान शाह ने सिखों पर पुनः आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के उपरांत जब ये जमान शाह लौट रहा था तो क्या होता है, इसकी कुछ तोपें जो है ना वो नदी में गिर जाती हैं, और इन तोपों को रणजीत सिंह क्या करता है, निकलवाकर वापस भेज देता है। इस कार्य से जो जमान शाह था अफगानिस्तान का शासक वो बेहद खुश होता है और रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की, यानी कि लाहौर राज्य जो होता है वो रणजीत सिंह को दे देता है। 1799 में क्या होता है कि रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और जमान शाह खुश होकर उनको राजा की उपाधि दे देता है और लाहौर को लाहौर का अपना सूबेदार मान लेता है। 1805 में क्या होता है, रणजीत सिंह जो थे उन्होंने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। इस तरह पंजाब की राजधानी जो थी वो राजनीतिक राजधानी लाहौर से, लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों इनके अधीन हो गई और पंजाब का विस्तार होता गया। 1805 में अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ और अंग्रेजों से पराजित होकर जसवंतराव होलकर पंजाब आया। दोस्तों सुनना, जसवंतराव होलकर जब पंजाब आया तो जनरल लेक
होलकर का पीछा करते हुए ब्यास नदी तक आया और रणजीत सिंह से होलकर को सड़ देने के लिए ना कहा कि आप इस जसवंत राव को सड़ मत दीजिए। इसी लेकिन रणजीत सिंह ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी की वजह से 1808 में क्या होता है दोस्तों, रणजीत सिंह सतलज नदी को पार करके फरीदकोट, मालदा और अंबाला, जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, यहाँ तक सतलज नदी को, ये सतलज नदी है, इस सतलज नदी को पार करके वो इस क्षेत्र में आ गया और अंबाला तक उसने अपना शासन स्थापित कर लिया यहाँ तक। ठीक है, तो इसी बीच क्या होता है दोस्तों, अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि के तहत क्या होता है कि अंग्रेज बोलते हैं कि आपकी जो राजनीतिक सीमा है वो फिक्स कर लेते हैं, ना आप हमारी टेरिटरी में इंटर करेंगे और ना ही हम आपकी टेरिटरी में इंटर करेंगे। ठीक है, सतलज नदी को ही राजनीतिक सीमा मान लिया जाता है यहाँ पर, और अंग्रेज बोलते हैं कि सतलज नदी के दूसरी तरफ हम नहीं जाएंगे और आप इस तरफ नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से पंजाब राज्य की जो राजनीतिक सीमा थी उस समय सतलज नदी को डिसाइड कर दिया गया। 1809 में क्या होता है कि लॉर्ड मिंटो के दूत होते हैं चार्ल्स मिंटकॉफ, वही इस अमृतसर की संधि को पूर्ण रूप से स्वरूप देते हैं। 1809 में अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह सूजा को मोहम्मद शाह ने अपदस्त कर दिया। सब मोहम्मद शाह ने अपदस्त कर दिया तो वो रणजीत सिंह के पास आया, रणजीत सिंह के पास आया तो रणजीत सिंह ने इस मोहम्मद शाह की सहायता की, और सहायता करने से जो शाह सूजा था वो पुनः क्या बन गया, वहाँ का गद्दी प्राप्त कर लेता है। और यही गद्दी प्राप्त करने के बाद शाह सूजा ने रणजीत सिंह को भेंट स्वरूप जो कोहिनूर हीरा होता है वो दे देता है। और ये कोहिनूर हीरा नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण करता है वो इसको लूट के ले जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सिख सेनाओं के प्रधान सेना नायक हरि सिंह नलवा ने अफगानों को पराजित कर जमरूद पर अधिकार कर लिया। जब सेना नायक हरि सिंह नलवा ने अफगानों को पराजित कर जमरूद पर अधिकार कर लिया तो दोस्तों इस प्रकार क्या होता है कि उस भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले खैबर दर्रे के पूर्व क्षेत्र पर रणजीत सिंह का अधिकार हो जाता है। रणजीत सिंह का अधिकार हो जाने से पंजाब राज्य की टेरिटरी और एक्सपेंड हो गई और बढ़ने लगी। 27 जून 1839 को पक्षाघात होने के कारण दोस्तों रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेजों की सहायक संधि, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि को अभी तक स्वीकार नहीं किया था दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, रणजीत सिंह ने अलग अलग तरीके से अपने सेनाओं को प्रशिक्षण दे रखा था, जिस वजह से अंग्रेज जो थे ना वो बहुत डरते थे इनसे। किस तरीके का प्रशिक्षण दे रखा था दोस्तों इन्होंने, इन्होंने घुड़सवारों के लिए अलग से प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सेनापति जनरल अलार्ड, ठीक है ना, घुड़सवार के लिए जनरल अलार्ड को नियुक्त किया था। ये कहाँ के थे, ये थे फ्रांस के, ठीक है। दूसरे जो पैदल सेना के लिए इन्होंने नियुक्त किया था एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति का नाम था, इटली का रहने वाला था, वो था जनरल बंतूरा, और ये इटली की सेना का सेनापति भी था। तो पैदल सेना को इन्होंने बंतूरा से प्रशिक्षण दिलवाया पैदल सेना को, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, तोपखाने के प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि रणजीत सिंह ने देखा कि तोपखाने के मामले में फ्रांसीसी काफ़ी कुशल हैं, इसलिए ये क्या करते हैं कि फ्रांसीसी सेनापति कोर्ट एवं गार्डनर को नियुक्त कर देते हैं। किसको, कोर्ट और गार्डनर, ये दोनों जो हैं तोपखाने के लिए सेना को प्रशिक्षित करते हैं, जो कि कुशल तोपची थे। इस वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इस सेना को एक बहुत बड़ी सेना मानते थे और कहते थे कि ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, ठीक है ना।
यहाँ की ब्रिटिश अधिकारी ऑकलैंड भी ये बोलता है कि महाराजा रणजीत सिंह के पास एशिया की दूसरी बड़ी सेना है, लेकिन सबसे बड़ी अंग्रेजी सेना थी। इस वजह से अंग्रेज जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह के साथ कोई विवाद नहीं चाहते थे, क्योंकि वो इनकी शक्ति से भलीभांति परिचित थे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सिख समुदाय में और पंजाब राज्य में गुटबाजी स्टार्ट हो जाती है। फलता वहाँ सिंगन वालिया और डोगरा गुटों के बीच संघर्ष बड़े विकट तरीके से होता है, और इसी के बाद खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह आते हैं। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद तो सबसे पहले खड़क सिंह, इनके बड़े बेटे थे, वो गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद नौनिहाल सिंह बैठते हैं, जो डोगरा बंधुओं गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुचेत सिंह के प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि वो शेर सिंह के समर्थक थे। ये जो डोगरा बंधु जो दोस्तों थे वो शेर सिंह के समर्थक थे, इसलिए ये इनके प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। डोगरा बंधु गुलाब सिंह किसके? शेर सिंह के समर्थक थे। और शेर सिंह जो थे वो गद्दी प्राप्त करने के लिए कहाँ पहुँच गए? अंग्रेज़ों के पास सहायता के लिए। और अंग्रेज़ों को यही तो चाहिए, अंग्रेज जो थे वो इसी फ्राक में रहते थे कि किसी भी राज्य का कोई असंतुष्ट राज्य या राजा का भाई बंधु, उसका पारिवारिक सदस्य हमारे पास सहायता मांगने आए। तो क्या होता है 1843 में इसी समय शेर सिंह की हत्या भी कर दी जाती है, क्योंकि और लोग इनसे असंतुष्ट हो गए इनके इस कार्य से। सितंबर 14-3 में क्या होता है दोस्तों, लास्ट में इनके पुत्र दिलीप सिंह को महाराजा घोषित किया जाता है। इसी बीच क्या होता है दोस्तों कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में जानकारी लेते हैं, जिसके अंतर्गत जिस पंजाब को अंग्रेज 1839 तक नज़र उठाकर नहीं देखते थे, उस वो 1839 के बाद पंजाब को कमज़ोर पा करके उसके ऊपर चढ़ाई करने की सोचने लगते हैं। दोस्तों 1845 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग और उसके अधिकारी मेजर ब्रॉडफुट ने सिखों के विरुद्ध अपमानजनक बयान दिया, और उस बयान देने के बाद सिख सेना ने क्रोधित होकर अंग्रेजों पर हमला किया, जहां सिख सेना पराजित हो गई दोस्तों। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आंग्ल सिख युद्ध। ओके, कौन सा? फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1845, ठीक है, 1845 में। और वहीं सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 में। इसी दौरान क्या होता है दोस्तों कि जब सिख सेना पराजित हो जाती है तो फिरोज शाह मुदकी बुद्धोवाल की लड़ाई में अनिर्णय की स्थिति रही, जबकि सेवराओं के युद्ध में सिख सेना की पराजय हो गई थी। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि दिलीप सिंह के साथ लेक लाहौर की संधि की। क्या किया दोस्तों? दिलीप सिंह के साथ लाहौर की संधि की, ठीक है। और लाहौर की संधि के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया? कश्मीर राज्य प्राप्त किया। ये लाहौर की संधि किसके साथ हुई दोस्तों? अंतिम जो पंजाब का राजा था दिलीप सिंह, ये अल्प वयस्क थे, इनके साथ अंग्रेज़ों ने संधि कर ली और कश्मीर प्राप्त कर लिया। कश्मीर प्राप्त करने के बाद क्या होता है, यही अंग्रेज प्राप्त कश्मीर को क्या करते हैं? बेच देते हैं। किसको बेचते हैं दोस्तों? गुलाब सिंह को। डोगरा वंश के जो गुलाब सिंह थे, जो शेर सिंह के सहायक के रूप में जाने जाते हैं, वो गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अंग्रेज जो हैं दिलीप सिंह के साथ पुनः दिसंबर 1846 में क्या करते हैं? एक और संधि को अंजाम देते हैं। किसके साथ? दिलीप सिंह के साथ। और उस संधि का नाम है भैरोवाल की संधि। इस भैरोवाल की संधि के तहत लाहौर दरबार में स्थायी ब्रिटिश सेना को रखने का प्रस्ताव दिलीप सिंह के सामने रखा जाता है, और आपको पता ही है दिलीप सिंह अल्प वयस्क थे,
उनको इतनी समझ थी नहीं, उन्होंने लाहौर की संधि पे क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। और दिलीप सिंह की माता रानी जिंदन कौर की संरक्षक की भूमिका समाप्त कर दी गई और दिलीप सिंह का संरक्षक कौन बन गया, अंग्रेज। द्वितीय युद्ध में क्या होता है, जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है उसमें क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था, वो युद्ध एवं विस्तार की नीति से ओतप्रोत था, वो ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसको किसी भी तरीके से विस्तार करने में विश्वास रखता था। उसका एक कारण औद्योगिक क्रांति का, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का भी होना था। तो उसने क्या किया कि सिक्कों पर युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया, डलहौजी ने सिक्कों पर युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया। सेकंड युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, सेकंड आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध जो कि हुआ 1848 में, इसकी पृष्ठभूमि यहाँ से बनती है कि सिक्कों ने बेचारों ने कुछ नहीं किया, फिर भी डलहौजी ने क्या कर दिया, आरोप लगा लिया कि अच्छा तुम युद्ध चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, और बोला कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सिक्कों से युद्ध जरूर और जरूर लड़ा जाएगा और उनकी इच्छा के अनुरूप लड़ा जाएगा। जबकि सिख बोल रहे थे भैया हमें कोई युद्ध नहीं लड़ना है, फिर भी ज़बरदस्ती बोल रहा है डलहौजी कि नहीं बिल्कुल तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी और युद्ध लड़ा जाएगा। और इस प्रकार गुजरात का युद्ध होता है जिसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें सिख सेना पूर्णतः पराजित हो जाती है। और दोस्तों 1849 ईस्वी में क्या होता है, पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाता है, पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाता है, ठीक है। यानी कि 1849 में पंजाब का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वो एक ब्रिटिश शासित प्रांत बन जाता है। दोस्तों पंजाब के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है, अब आगे इसी लेक्चर सीरीज को हम पूर्णतः कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसी संदर्भ में अभी जितने भी लेक्चर हुए हैं अवध बंगाल और पंजाब, इनके जो कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर हमारे एफर्ट से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए।